शिवपुरी कलेक्ट्रेट में हुए अग्निकांड का एसपी ने किया खुलासा, साजिशन लगाई गई थी आग। शिवपुरी कलेक्ट्रेट में हुए अग्निकांड का सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी अमन सिंह राठौर ने खुलासा कर दिया। कलेक्ट्रेट शिवपुरी की भू अर्जन शाखा में 2208 करोड़ के लोअर उर सिंचाई प्रोजेक्ट के मुआवजे पर रिकॉर्ड चलाने साजिशन आग लगाई गई है। आगजनी के दूसरे दिन ही रविवार को भू अर्जन के एक नकली आदेश में 20 लाख रुपए के फर्जी भुगतान का सिटी कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया है। फर्जी मुआवजे लेने वालों में एसएलआर राकेश ढोंडी बाबू, दीपक खजीक, ऑपरेटर रूप सिंह परिहार और उसकी पत्नी सहित तीन महिलाओं पर केस दर्ज हुआ है। फर्जी मुआवजा लेने के सबूत मिटाने के लिए इन्होंने ही कलेक्ट्रेट में आग लगवाई थी। केस दर्ज होते ही पुलिस ने ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया है। कलेक्ट्रेट में आग लगाकर भागे दो नकाबपोश युवक पुलिस ने पकड़ा है। आग लगाने के मामले में जिन दो लोगों को हिरासत में लिया है उन्हें ऑपरेटर ने इस काम के लिए पैसे दिए थे। ऑपरेटर भी साथ आया था लेकिन कैमरे में कैद होने से बचने के लिए वह कलेक्ट्रेट से कुछ दूरी पर ही खड़ा रहा। पुलिस ने ऑपरेटर रूप सिंह और आग लगाने वाले राहुल परिहार व जितेंद्र पाल को हिरासत में ले लिया है। पहले लगा कि शायद अपने आप लगी है, फायर ब्रिगेड पहुंची, एसडीआरएफ के लोग पहुंचे, आपको बुझाया गया। उसके बाद में जब तस्दीक शुरू करी गई तो फुटेज एक दिखा जिसमें दो व्यक्ति ने मुंह पे नकाब लगा रखा है। शिवपुरी कलेक्ट्रेट में हुए अग्निकांड का एसपी ने किया खुलासा, साजिशन लगाई गई थी आग। शिवपुरी कलेक्ट्रेट में हुए अग्निकांड का सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी अमन सिंह राठौर ने खुलासा कर दिया। कलेक्ट्रेट शिवपुरी की भू अर्जन शाखा में 2208 करोड़ के लोअर उर सिंचाई प्रोजेक्ट के मुआवजे पर रिकॉर्ड चलाने साजिशन आग लगाई गई है। आगजनी के दूसरे दिन ही रविवार को भू अर्जन के एक नकली आदेश में 20 लाख रुपए के फर्जी भुगतान का सिटी कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया है। फर्जी मुआवजे लेने वालों में एसएलआर राकेश ढोंडी बाबू, दीपक खजीक, ऑपरेटर रूप सिंह परिहार और उसकी पत्नी सहित तीन महिलाओं पर केस दर्ज हुआ है। फर्जी मुआवजा लेने के सबूत मिटाने के लिए इन्होंने ही कलेक्ट्रेट में आग लगवाई थी। केस दर्ज होते ही पुलिस ने ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया है। कलेक्ट्रेट में आग लगाकर भागे दो नकाबपोश युवक पुलिस ने पकड़ा है। आग लगाने के मामले में जिन दो लोगों को हिरासत में लिया है उन्हें ऑपरेटर ने इस काम के लिए पैसे दिए थे। ऑपरेटर भी साथ आया था लेकिन कैमरे में कैद होने से बचने के लिए वह कलेक्ट्रेट से कुछ दूरी पर ही खड़ा रहा। पुलिस ने ऑपरेटर रूप सिंह और आग लगाने वाले राहुल परिहार व जितेंद्र पाल को हिरासत में ले लिया है। मुंह अपना खुला रखा था रैकी के समय। रूप सिंह ने अपना चेहरा ढक रखा था लेकिन कद घाटी से समझ में आ रहा था कि रूप सिंह है। उसके बाद में वहां के लोगों को दिखाया गया, उसका पहचान परिचय बनाया गया। शहर के अन्य फुटेज वो भी चेक किए गए आसपास के, उसमें भी ये लोग दिखाई दिए। जब ये पुख्ता हो गया कि यही लोग हैं जो दिन में रैकी करके गए हैं और रात को भी जो हुलिया है या बॉडी जिसे कह सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर मैच कर रही है, तो फिर उनको राउंड अप किया गया। राउंड अप करने के बाद में पूछताछ की गई। उसमें जो पूरी प्लानिंग की गई थी वो रूप सिंह परिहार द्वारा की गई थी, क्योंकि उनकी खुद के ऊपर एफआईआर थी और उनकी वाइफ भी उसमें आरोपी है। रचना 7 लाख रुपए के लगभग फर्जी तरीके से उनके खाते में भुगतान किया गया था। रूप सिंह ने दो लोगों को उसने हायर किया था, एक राहुल परिहार जो किशोर का ही रहने वाला है और एक और राहुल परिहार का साथी है जितेंद्र बघेल जो कि मजदूरी का काम करता है। रूप सिंह ने इन्हें 10-10 हजार रुपए देने का वादा किया था कि ये काम करना है, 10-10 हजार रुपए आपको दिए जाएंगे। इसके बाद में घटना दिनांक तो जो दोपहर को उन्होंने रैकी करी, एक बार ये तब आए, उसके बाद में लोग वापस चले गए। फिर रात को आए, पेट्रोल इन्होंने भी पिछोर से लिया था। रात को आने के बाद में उन्होंने आग लगाई, हालांकि 10 बजे भी ये पहले यहाँ आए हैं लेकिन 10 बजे एक स्टाफ ने इनको हल्का सा देख लिया था कि पीछे के रास्ते से प्रवेश कर रहे थे तो लौट के चले गए। फिर रात्रि 12:18 पे लोग पुनः आए, उन्होंने वहाँ पे आग लगाई। अब तक की जो पूछताछ हुई है उसमें ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि क्योंकि ये स्वयं आरोपी है, उनकी वाइफ आरोपी है, जो ट्रांजेक्शन हुआ वो भी रिकॉर्ड पे है, तो उन दस्तावेजों को जलाने के लिए शाखा की में आग लगाने का इन्होंने कार्य किया है। दूसरा जो स्वाभाविक प्रश्न आपका होगा कि अन्य किसी की संलिप्तता निकली है कि नहीं निकली, इनका हम 3 दिन का पीआर हम दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न है जिनके उत्तर अभी हमें और चाहिए। 3 दिन का हम पीआर लेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, बैंक खातों की डिटेल्स, कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन किस किस के हुए हैं, उन सबका विश्लेषण करने के उपरांत ही हम ये बता सकते हैं इन 3 व्यक्तियों के अतिरिक्त क्या आग लगाने में हमें किसी की संलिप्तता है या नहीं। 2 पृथक घटनाएं हैं, दोनों के बीच में समानांतर चल रही है। तो पहली है आग लगाने की, दूसरी है जो फर्जी तरीके से बिल आहरण किया गया है, उसमें 7 लोग नामजद आरोपी है और आग लगाने वाली अज्ञात थी, इसमें 3 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। आगे पीआर के दौरान और साक्ष्य विश्लेषण के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार हो सकता है आरोपी बढ़े,
ये सारे मामला सर 20 लाख लगता है क्या?